हम लोग आज की क्लास में कोऑर्डिनेट जो आपका 10th क्लास का चैप्टर है उसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिसलेनियस के एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसी के बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो मिसलेनियस मतलब ऑप्शनल एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज है 7.4 और 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने का, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ी एक्सप्लेन किया था, उसमें देखा था, समझाया था कि सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कौन कौन सी आप कंडीशन अप्लाई करोगे जिससे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यदि आप लोगों ने कर लिया हुआ ठीक है, अच्छी बात है, नहीं किया तो देखिए, जब सब लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7.4। इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 3 कोऑर्डिनेट। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 and 3, 3। पहला है 6, -6, दूसरा है 3, -7 और लास्ट का है 3, 3। सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, हम क्या करेंगे, सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हमने सर्कल का सेंटर ओ ले और सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसको एच कॉमा की हम लोगों ने कंसीडर करके। अब सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये तीनों पॉइंट कहां लाइन करेंगे, पहला पॉइंट इधर ले लो 6, -6, दूसरा पॉइंट 3, -7 और थर्ड वाला पॉइंट 3, 3। इस पॉइंट को ए ले लो, इसको बी, इसको सी, तो ओ का सेंटर से डिस्टेंस, ओ का सॉरी ए का ओ से डिस्टेंस, बी का ओ से डिस्टेंस और सी का ओ से डिस्टेंस, ये तीनों पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा रेडियस होगा, और सर्किल के रेडियस कैसे होते हैं, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटर का ए से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट ओवर h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ओ ए मिल गया, ओ ए उस सर्किल का रेडियस है, अब ओ बी देखो, तो ओ बी इक्वल टू रूट ओवर h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 7 का होल स्क्वायर। ए बी सर्किल का रेडियस है, ओसी फाइंड करो, इट मींस ओ का सी से डिस्टेंस, एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है सर्किल के रेडियस इक्वल होते हैं, एक ही सर्किल के जितने भी रेडियस होते हैं, एक सर्किल के अंदर जितने भी रेडियस होंगे वो सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस है, ओ ए सर्किल का रेडियस है, ओ बी सर्किल का रेडियस है, इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी का। इधर पर रूट ओवर एच माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 6 का होल स्क्वायर, ओ बी कितना है, रूट ओवर एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 7 का। समझ में आ गया, अब दोनों साइड रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 3 का होल स्क्वायर और k प्लस 7 का स्क्वायर। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से रूट कैंसिल, ठीक है, अब रूट कैंसिल हो गया, जो बचा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन कीजिए, एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12h प्लस के स्क्वायर प्लस 36 और प्लस का 12k। आगे देखिए, इधर आएगा एच स्क्वायर प्लस 9
प्लस का 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14k। हमने क्या किया, जो भी होल पावर 2 था दोनों साइड उसको एक्सपेंड कर दिया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, उस साइड जो h और k वाले टर्म वो सारे इस साइड लेगा और इधर पर जो कांस्टेंट है वो उस साइड लेगा, तो इधर है माइनस 12h और प्लस का 12k, उस साइड क्या है माइनस का 6h तो प्लस का 6h होगा, माइनस इधर आएगा प्लस, उधर का 14k है तो इधर आएगा माइनस 14k इक्वल टू, इधर पर क्या है 9 प्लस 49, इधर पर 36 प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का, इधर 36 प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का, तो इधर पर देखो माइनस 12h प्लस का 6h माइनस का 6h होगा, इधर पर 12k माइनस 14k माइनस का 2k इक्वल, इधर कितना आएगा 9 प्लस 49 कितना होगा 9 प्लस 49 58 और माइनस 72 तो ये आएगा माइनस 6h माइनस 2k इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा, इधर से 2 इधर 2 14 हो जाएगा, तो आप किसी का इसमें डिवाइड होगा तो पूरे में माइनस का डिवाइड कर दो, ठीक है माइनस का डिवाइड करेंगे माइनस 2 का पूरे में डिवाइड कर दो, इधर 2 का इधर भी 2 का इधर भी 2 का साथ में माइनस का होगा, तो माइनस 2 का करेंगे तो इधर आएगा 3h प्लस k इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले OA इक्वल टू OB किया तो H और K की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गया, अब OB इक्वल टू OC करेंगे, ठीक है एक इक्वेशन समझ में आ गया। अब करो OA इक्वल टू जो पहला इक्वेशन मिला है वो यहां साइड में लिख देते हैं, 3H प्लस K इक्वल टू 7 पहला इक्वेशन, ठीक है सेकेंड वाला OB इक्वल टू OC करेंगे, तो जब OB इक्वल टू OC करेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि OB सर्किल का रेडियस है और OC भी सर्किल का रेडियस है और रेडियस कैसे होते हैं इक्वल, तो OB कितना है रूट ओवर h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 7 का होल स्क्वायर, OC कितना है h माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का, इससे ये कैंसिल हो गया, देखो इधर भी h माइनस 3 का होल स्क्वायर था इधर भी h माइनस 3 का होल स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल कर, अब इसका होल स्क्वायर हो गया तो k स्क्वायर प्लस 49 और प्लस का 14k, उधर देखिए k स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6k, अब दोनों साइड से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब 6k को इस साइड आओ तो 14k और प्लस का 6k उधर होगा 9 माइनस 49, तो ये जो इस साइड 49 था वो साइड लेगा तो कितना आ गया इधर पर कितना आएगा 20k इक्वल टू माइनस का 40, अब k की वैल्यू फाइंड करना है तो k इक्वल टू क्या आ गया माइनस 40 अपॉन 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और k की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 2, तो k मिल गया हमें माइनस 2। अभी हमें h भी तो फाइंड करना है, तो जो k की वैल्यू माइनस 2 आई उसका करना क्या है, देखो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी 3h प्लस k इक्वल टू 7, इस फर्स्ट इक्वेशन से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं,
जो k आया k इक्वल टू माइनस टू भी इधर पुट कर दो तो 3h प्लस माइनस टू इक्वल टू 7, तो कितना हो जाएगा 3h इक्वल टू 7 प्लस 2, तो 3h इक्वल टू 9, h की वैल्यू कितनी आ गई है 3, तो h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू माइनस 7। तो इस सर्किल में जो सेंटर हमने लिया था वो क्या लिया था, सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो सेंटर जो हमने लिया था क्या कंसीडर किया था, h कॉमा k, और क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग h और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो h है 3 और k है। तो इस तरीके से सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड कर लिए, समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन इसका देखना है, एक दो क्वेश्चन और देख लो। अच्छा एक कंडीशन समझाते हैं, कभी कभी क्या होता है, ट्राइंगल गिवन, ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, और इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिड साइड के मिड पॉइंट का, और ये हो गया डी ई। तो यदि ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई, और यदि वो कहता है तीनों वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट फाइंड, तो फाइंड करने वाली एक कंडीशन होती है जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। बट यहां पर अभी कोऑर्डिनेट फाइंड करने की बात हम नहीं सीख रहे, यहां पर वो कह रहा है कि किसी ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवे, और वो कहेगा इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, ए बी सी का एरिया। तो हमारी बात ध्यान समझना, यदि कोई ट्राइंगल के मिड पॉइंट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है वो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए कंडीशन होती है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी। तो सीधा सा लॉजिक है, यदि हमें ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है तो डी ई एफ वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, उसमें 2 का इंटू कर दोगे तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन समझाया है सर्किल का सेंटर फाइंड करने वाला, उसको खुद से प्रैक्टिस करना, और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए।